नमस्कार दोस्तों दोस्तों गर्भित पशु की देखभाल में जो उसकी शुष्क अवधि होती है यानी कि ड्राई पीरियड, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। शुष्क अवधि का मतलब है कि जब आपको गाय से दूध निकालना बंद कर देना है, जब गाय आपका पशु आपका गर्भित हो चुका है और उससे दूध निकालना आपको बंद करना है। और कितने समय के लिए ये अवधि होती है, तो हम कहते हैं कि 60 दिन का, 60 दिन का समय हमें पशु को शुष्क अवधि का देना है जब हमें उससे दूध नहीं निकालना है। और ये अति आवश्यक है, अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि हम पशु को अगले दुग्ध काल के लिए तैयार करते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं जब हम शुष्क अवधि में पशु का दूध लेना बंद कर देते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि अगले दुग्ध काल के लिए पशु का जो शरीर है और पशु का अयन जो है उसमें अच्छे से जो है वो बढ़ोतरी होती है, वो अच्छे से तैयार हो पाते हैं। इसलिए शुष्क अवधि पशु रोग के लिए बहुत जरूरी है। और अगर शुष्क अवधि हमारी पशुओं की सही नहीं है तो अगले ब्यांत में जब पशु दूध देगा तो उसके दुग्ध में भारी कमी हो जाती है। उसके दुग्ध उत्पादन में 20 से 30% उत्पादन में कमी आ जाती है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआती वीडियो में दिखाया कि कैसे एक पशुपालक ने अपनी गाय को जो है वो शुष्क अवधि के लिए तैयार नहीं किया और उसकी गाय ने काफ़ी कम दूध देना, अब जो है वो काफ़ी कम दूध दे रही है। तो हमें शुष्क अवधि के दौरान जो है हम पशु को अगले दुग्ध काल के लिए तैयार करते हैं, और अगर हम ऐसा ना करें तो पशु को जो है वो उसमें दिक्कतें आती हैं। साथ ही एक बात का हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने पशु को जो है वो उसको जब हम सुखाते हैं तो अचानक से हम उसको सुखाना शुरू ना कर दें, अचानक से दूध लेना बंद ना कर दें, बल्कि धीरे धीरे जो है वो पशु से दूध लेना कम करेंगे और उसे शुष्क त्याग के लिए। शुष्क अवधि की बात करने के बाद अब बात करते हैं हम कि गर्भित पशु या जो हमारा पशु गर्भावस्था में है उसका आहार प्रबंधन कैसा होना चाहिए। लेकिन उससे पहले सवाल ये आता है कि हमें गर्भावस्था के दौरान पशुओं के बारे में इतना अधिक क्यों सोचना चाहिए, इतना अधिक उसके आहार प्रबंधन के बारे में क्यों सोचना चाहिए। उसके पीछे दो कारण है। पहला कारण ये है कि पशु के शरीर में जो है वो उसकी अपनी शारीरिक वृद्धि के अलावा पशु के शरीर के अंदर जो है वो भ्रूण यानी कि पेट में जो बच्चा है उसका विकास भी हो रहा है, और उसके अच्छे विकास के लिए पशु के आहार का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पशु जो है ना ही उसकी अच्छी वृद्धि दर हो पाएगी और ना ही बछड़े का या बच्चिया का अच्छे से विकास हो पाएगा। पहला कारण ये। दूसरा कारण ये है कि अगर हम पशु का सही से गर्भावस्था के टाइम अच्छे से प्रबंधन करते हैं तो हम ये देखेंगे कि ब्यांत के 40 से 45 दिनों के बाद पशु पुनः गर्मी में आ जाएगा, पुनः हीट में आ जाएगा, पुनः मध्यकाल में आ जाएगा, जो डेयरी फार्मिंग को मुनाफा में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पशु हमारा समय से गर्मा जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा, और गर्माने के साथ साथ उसके जो गर्भित होने की जो संभावना है वो भी और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए हमें पशुओं का प्रसव से पहले आहार का अच्छे से प्रबंधन करना है। ये तो हो गया क्यों, अब सवाल है कि कैसे करना है। तो कैसे में हमें क्या करना है कि जो हमारा गर्भावस्था में जो पशु को 1.5 से 2 किलो आपको अतिरिक्त दाना मिश्रण देना है, और अंतिम तिमाही में इस दाना मिश्रण को आप और भी अधिक बढ़ा सकते हैं पशु की जरूरतों के हिसाब से, क्योंकि आखिरी तिमाही में जो पेट के अंदर जो बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है, उसका विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है। इसलिए हमें लास्ट के 3 महीने में और अधिक दाना मिश्रण की बात हमें कि हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें एक गर्भित पशु का जो दाना मिश्रण है या उसका जो आहार है वो किस तरह का होना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान पशुओं के आहार में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पशुओं के आहार में आहार संतुलित होना चाहिए, और संतुलित आहार में हरा चारा, सूखा चारा, दाना मिश्रण, खनिज मिश्रण और नमक, इसके अलावा पानी, ये बहुत ही ज़रूरी घटक हैं। और कितना कितना हमें देना चाहिए, हरा चारा हम तकरीबन कम से कम 15 से 20 किलो आप हरा चारा रखें, सूखा चारा आप 4 से 5 किलोग्राम रख सकते हैं, दाना मिश्रण आप 1 से 1.5 किलोग्राम आप रखें। इसके अलावा पशुओं को जो है वो खनिज मिश्रण यानी कि मिनरल मिक्सचर, अब मिनरल मिक्सचर कैसा रहता है, जिसे हम सामान्य भाषा में कैल्शियम पाउडर भी कह देते हैं, जैसे हमारी नमक की थैली रहती है उसी तरह हमारा एक पाउडर आता है, उस पाउडर को जो है आप रोज
आप गर्भावस्था में पशुओं को 50 ग्राम तक दें, आखिरी 15 दिनों में आपको वो खनिज मिश्रण आपको नहीं देना है। इसके अलावा आप नमक जो है वो तकरीबन 30 ग्राम आप अपने पशुओं को दें, और साथ ही साथ पशुओं को जो है वो पर्याप्त मात्रा में शुद्ध ताजा पानी पिलाएं। ध्यान रखें, अगर सर्दियों का मौसम है तो आप पशुओं को हल्का गर्म पानी जो है या गुनगुना पानी वो दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो पशु हैं जो कि अधिक दूध देने वाले पशु होते हैं, उनको आप बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन भी जो है वो गर्भावस्था से 1 महीने पहले से लेकर गर्भावस्था प्रसव के 3 महीनों तक आप उनको बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन दे सकते हैं। बाईपास फैट आप लगभग 100 से 150 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से, और बाईपास प्रोटीन आप तकरीबन 1 किलो तक या हमारी जो दाना मिश्रण है उसके 25% तक जो है आप उसको बाईपास प्रोटीन भी जो है पशुओं को दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने गर्भावस्था के दौरान पशुओं के आहार प्रबंधन की बात की है। हमने ये जाना है कि आहार प्रबंधन क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अगले दुग्ध काल के लिए पशुओं को तैयार कर रहे होते हैं, और उसमें पशुओं को समय पर उनको सूखी अवस्था में लेके जाना, शुष्क अवधि जो कि 60 दिनों की रहती है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमने पशुओं के आहार के बारे में चर्चा की, पशुओं के आहार में कौन कौन से घटक घटक होने चाहिए उनकी बातचीत की, और साथ ही साथ हमने बहुत ही संक्षेप में बाईपास फैट और प्रोटीन देने की बात हमने की। तो आशा है इस वीडियो से आपने जो हमारा पशु गर्भावस्था में रहता है उसकी हमें कैसे सही से देखभाल करनी होती है, ताकि अगले दुग्ध काल में पशुओं को जो है वो कम से कम समस्याएं, इस बारे में हमने इस वीडियो में आपसे चर्चा की है।